Hey guys, तो कैसे हो सब लोग? Clash of Titans का और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो guys, आज के ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। पूरा हफ्ता मैं डेडिकेटेडली मेजेस के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, जहाँ पे उनका ट्यूटोरियल और बिल्ड्स रहेंगे और गेम प्लेज भी रहेंगे। तो गाइज, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना अगर आपका कोई फेवरेट मेजेस है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, या फिर आप ट्यूटोरियल लेना चाहते हो, या फिर आप गेम प्ले देखना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। ओके, और गाइज, अगर इस तरीके का क्लैश ऑफ टाइटंस का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को दबाना भी मत भूलना, ठीक है? आज के वीडियो में मैं फीचर करने वाला हूँ नतालिया को, जो कि आई गेस अभी के टाइम में सबसे ओवर पावर्ड मेज है। तो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नतालिया का पैसिव। तो पैसिव ये कहता है, जब भी आप नतालिया का कोई भी स्किल को यूज करते हो और अगर वो एनिमी को हिट करता है तो फिर वो एक्स्ट्रा डैमेज डील करता है। देखो, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो तो यहाँ पे दो डैमेजेस आपको दिख रहा है, ठीक है, मैजिक डैमेज। और तो अब बात करते हैं स्किल वन के बारे में। तो गाइस, नतालिया का स्किल वन में हम लोगों को कुछ मैजिक मिसाइल्स देखने के लिए मिलता है, और अगर ये स्किल वन एनिमीज़ के ऊपर लगता है तो फिर हम लोग को दो कुल मिला के इफ़ेक्ट्स दिखने मिलते हैं। एक, इसका मैना रीजन हो जाता है, ठीक है, और दूसरा, इसका कूल डाउन भी रिड्यूस हो जाता है। और यही मेन डैमेज सोर्स होता है गाइस नतालिया का, जब भी ये कोई गैंक में होती है या फिर कोई फाइट अगर चल रहा है, ठीक है। और अब हम लोग देख लेते हैं इसका सेकंड स्किल। तो गाइस, सेकंड स्किल में ये एक मैजिक सर्कल छोड़ती है जो एनिमी को स्लो डाउन कर देता है, और साथ में ये कॉन्टीन्यूस डैमेज भी देता है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये जब स्किल वन के साथ जब कंबाइन हो जाता है, यानी कि पहले आप स्किल टू को यूज़ करते हो, स्लो डाउन होता है, उसका एक रिकरिंग डैमेज मिलता है, उसके साथ जब स्किल वन जाता है तो वो मैसिव बन जाता है, राइट। तो जब हम लोग कॉम्बो को जब डिस्कस करेंगे तो उस टाइम देखेंगे ये वाला पार्ट। और अभी हम लोग तुरंत देख लेते हैं इसका स्किल थ्री, ठीक है, या फिर अल्टीमेट। तो गाइस, नतालिया का जो अल्टीमेट है वो बिल्कुल डिटो कामेहामेहा है गोकू का, देख रहे हो, वाह। तो गाइस, अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसका डैमेज स्टैट्स का और इसमें क्या इफेक्ट्स रहता है। तो इसमें जो डैमेज जो आपको मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेट वन। और इसके साथ जो इफेक्ट्स हम लोगों को दिखने मिलता है वो है कि इसको एक एक्स्ट्रा शील्ड मिल जाता है नतालिया को, जब भी ये नतालिया यूज़ करता है तो। और गाइस, ये वाला अल्टीमेट बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग लो एच पी में होते हैं और सामने कोई एनिमी आ जाता है, और या तो क्लोज कॉम्बैट में हम लोग फंस जाते हैं, तो उस टाइम में अल्टीमेट से जो शील्ड हम लोगों को मिलता है वो शील्ड हम लोगों को कभी कभी बचा देता है, राइट। और तो गाइस, अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसका कॉम्बो का। तो सबसे कॉमन एक कॉम्बो है जो हर कोई यूज़ करता है, लगभग सभी लोग इस कॉम्बो को यूज़ करते हैं, वो स्किल टू, उसके साथ स्किल वन और फाइनली अल्टीमेट, ठीक है। और तो गाइस, अभी हम लोग बात करते हैं नतालिया का फुल बिल्ड का। इस वाले क्लिप में मैं नतालिया का जो फुल बिल्ड है वो पूरा आपके सामने रख दूँगा, जहाँ पर आप उसका आइटम सेट, साथ में आर्केना और साथ में एन्चेंटमेंट, ये सब कुछ आप देख पाओगे, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैं छोटा सा टिप देना चाहूँगा, नतालिया का डैमेज आउटपुट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आप लोग कभी ये फ्लो में बह के उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डैमेज आइटम्स ही मत खरीद लेना। आप कोशिश ये करना कि जब आप लोग नतालिया का आइटम सेट बना रहे हो तो लगभग 40-50% आप उसमें डिफेंसिव आइटम भी खरीदो। मेरा सजेस्टेड जो आइटम्स रहेंगे जो आप लोगों को खरीदना ही है वो है रियाज ब्लेसिंग्स और साथ में फ्रॉस्टेज रिवेंज, ठीक है। तो ये दो आइटम रहना चाहिए, और आखिर में आप आर्कटिक ऑर्ब को खरीद सकते हो, ठीक है।
death to all but me. तो गाइस आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।